जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी वीज़ों के ई नंबर, आप भाइयों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज बेशुमार, कमेंट मुझे बेशुमार, और इसके मतलब वीडियोस भी मैं लगाता रहता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके साथ अपडेट कर दूँगा। और दूसरा, ये जो दो बंदे हैं जी, ये दोनों सऊदी अरबिया से आए हुए हैं, तो इनकी भी राय क्या है इसके मतलब। यार, हर बंदे की अपनी राय होती है। हम गाड़ी में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, तो यहीं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई शोर आपको सुनाई देता रहे गाड़ी में तो उसके लिए माजरत खवाऊँ मैं। रोड भी कुछ इस टाइप के हैं पाकिस्तान में, यकीन कीजिए, मेरी गाड़ी की स्पीड 20-30 इससे ऊपर स्पीड ही नहीं जा रही है। तो बहरहाल अगे कुकड़ियाँ वाला आ गया जी। ई नंबर के मतलब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे अपडेट करते हैं। पहले मैं इनकी राय ले लेता हूँ, ये इसके मतलब क्या कहते हैं, फिर मैं आपको जो भी इसके ऊपर हम बात करेंगे वो करेंगे। और कुछ बातें पंजाबी में हो जाएंगी, यानी कि कुछ गल्ला पंजाबी चुंदियाँ रहनगियाँ, वो भी तुसी इंजॉय करें जी। अच्छा बहुत जी, थोड़ी की इसके मतलब है कि वीज़े लगनगे या नहीं लगनगे या की सीन बनेगा, यह दसो। अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां नूं, पहले साहे खास अमल मंजली, जिस मेरे भाई ने पैसे पे किए हुए हैं वीजो के, पंजाबी से गल करो, कोई मुश्किल नहीं, उनके वीजे बहुत मुश्किल है। नहीं तो क्यों मुश्किल, मसलन की वजह? दूसरे वीजे कंपनी के वीजे लग रहे हैं, साहे खास और अमल मंजली जो है इनके नहीं लग रहे, मेरे हिसाब से तो ये नहीं लगे। आगे अल्लाह की मर्जी है। ये भाई सबसे की अभी हमारी दोनों की बहस हो रही थी, ये मुझे बोल रहे थे कि वीज़े स्टैंप नहीं होंगे, इतनी देर हो गई है 3 से 4 मंथ और अभी तक वीज़े स्टैंप नहीं हुए, तो अभी कैसे यानी कि हो जाएंगे, ये तो वीज़े ज़ाया हो जाएंगे या वीज़े बंद कर दिए हैं सऊदी गवर्नमेंट ने, इनका ये मानना है। बहरहाल हर बंदे की अपनी राय है, आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। माजू तेरा की जहन है भाई? मेरा जहन है आके भी इंज नहीं होता, ये सऊदी हुकूमत है, ये वीज़ा इशू ही नहीं करती जी, इन्हें ना लाने होंगे, पहले उनका मैना चेंज करते तो फिर वीज़े लाते। अगर ये लेट स्वेट हो रहा है 2-4 महीने ये लगन गए, नहीं तो इस वीज़िया तो नंबर चेंज होर कोई मैना ला के ये वीज़े लगन गए, या ये वीज़े लग जाएंगे उधर जाके कोई मैना चेंज कर देने काम बना लगे चेंज कर देन, तो इंज हो सकता, इंज नहीं हो सकता कि वीज़े पाकिस्तान आए हो या लगते ना पे, इंज नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जे भेजने होंगे इस तरह करना होंगे तो उन्होंने उत्थों सारी पहुंचान करके, सारी गल कोई पाकिस्तान तो नहीं ना कि तीर तुका ला के सऊदी हुकूमत इंज नहीं करती। अच्छा, अच्छा नहीं तो माजू एक गल हो रहा ना, हाँ जी, के वीज़े हूँ तू कह रहे हैं कि भी स्टैंप हो जाएंगे, हाँ जी यही राय तेरी, हाँ जी। अच्छा मैं ये गल करता कि वो जी पिछला गल कर रहा है, हाँ जी, कि 3 से 4 मंथ हो गया वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा, फिर ये भी तो गल है ना माजू कि वीज़ा स्टैंप क्यों नहीं हो रहा? स्टैंप इसलिए नहीं हो रहा है कि भी वो कोई सिस्टम उन्होंने चाह रहा है, कोई कंप्रोमाइज कर रहे होंगे इसे वीज़िया तो फिर मैना चेंज करके यही कोई सिस्टम ला के वो करेंगे, इंज नहीं होंगे पाकिस्तान वीज़े कल उन्होंने स्टैंप नहीं होंगे, जोड़ा नंबर है उनका वो नहीं निकल, इंज नहीं होंगे, ये इंशाल्लाह लगन गए, भाई वो लग रहे ये भी लगन गए, लेकिन कोई मसला मसायल है लेकिन चलो गल कर लें, गल बिलकुल ठीक है कि मुसस्सियां दे वीजे लग रहे ने, और उस तो इलावा शिक्कियां दे वीजे लग रहे ने, उस तो इलावा वड्डे महीने वाले जड़े ने उन्हां दे वीजे लग रहे ने, वो भी जो स्टैंप हो रहा है वो बंदे सफ़र भी कर रहे हैं, जेडे साए खास अमल मस्जिद या फर्दी मुसस्से वाले ना इशू इन्हों का चल रहा है। हुण मेरे नज़दीक जेड़ा मेरा जहन है ना, मेरे नज़दीक यह आ कि मैं दे दूँ बस, मेरे नज़दीक यह है जी कि साए खास का जरा वीज़ा है उन्होंने साए सियारा खासा जड़े नवे 10 महीने मुतारफ करवाते ने सऊदी गवर्नमेंट ने, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा, और आमल मंजली नू ये आमल मंजली नू हारस आमला मंजलिया या हारस आमल मंजली या सॉरी आमल तदबीर मंजली इनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा,
यानी कि ये महीने इनमें कन्वर्ट होकर वीजा स्टैम्प होंगे। यार ऐसा मेरा भी ये मानना कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि जिन बंदों ने वीज़े लिए हुए हैं, अभी देखें साए खास का जो वीज़ा है वो भी भाई 7-8-10 हज़ार रियाल तक पहुँच चुका है, 6-7 से शुरू होता है, 10-10 हज़ार रियाल तक पहुँच चुका है साए खास का। सऊदीया के वीज़े महंगे हो चुके हैं रियाल ऊपर जाने की वजह से। अच्छा अभी भाइयों के भाई लाखों रुपये लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, ये ज़ाया हो जाएंगे, ये चीज़ है, मैं तो ये बात बोलता हूँ। और दूसरी बात मेरा अभी खुद का यार ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वीज़े बंद हो जाएंगे या सऊदी गवर्नमेंट वीज़े ये बंदों ने जिन्होंने लिए उनके ज़ाया कर देगी, ऐसा नहीं होगा। बाकी भाई साहब का यही मानना है कि नहीं होंगे, इंशाल्लाह स्टैम्प हो जाएंगे, मेरा भी यही मानना है। वो भाई साहब बोल रहे हैं कि जी हो सकता है ये बंद हो जाएं, तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात खैर करें तमाम परदेशियों के ऊपर। इसके मतलब जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है वक्तन फ़क्तन मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी भाई देखें कन्फर्म न्यूज़ की अगर मतलब बात करें ना, तो कन्फर्म न्यूज़ मैं किधर मिसाल के तौर पर कोई सऊदी अरेबिया का कोई जैसे कि वजारत खारजी है, जैसे कि जवाजात है, जैसे कि मकतब अमल है, या सऊदी अम्बेसी है, या पाकिस्तानी सफारतखाना है, इनकी तरफ से कुछ कन्फर्म न्यूज़ आए ना इन महीनों के मतलब, तो फिर तो बंदा आगे बात करता है। अभी ये देखें सूरत हाल को देखते हुए, एजेंटों की सूरत हाल को देखते हुए ये बात की जाती है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी, आने वाले कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबरें आएंगी, और भाई ईद से पहले या ईद के फौरन बाद सफ़र ज़रूर करेंगे,